स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेंसाइक ऑनलाइन लर्निंग। सो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट सम बेसिक मैथमेटिक्स। अब आप बोलोगे भाई फिजिक्स में मैथमेटिक्स, ये तो हमारे साथ धोखा है। भाई धोखा नहीं है, एक्चुअली क्या है, अगली वीडियोस में आप पढ़ोगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जिसे हम एक्सटी कर्व भी बोलते हैं, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, और इनके बेसिस पे आप बहुत कुछ हम सीखेंगे, है ना। इनकी इनके सिग्निफिकेंस क्या है, और साथ में इन्हें अच्छी तरह पढ़ने के लिए आपको कुछ मैथमेटिक्स टूल्स की ज़रूरत होती है, सम टूल्स ऑफ मैथ्स आपको पता होना चाहिए, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप पढ़ लेंगे, ठीक है, आपका भी फायदा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं, इट इज द स्टडी ऑफ एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्राइंगल, और इट इज द स्टडी ऑफ मेजरमेंट। यहां ऐड कर लीजिए, इट इज द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। देखिए, ट्रिग्नो का मतलब ट्राइंगल और मेट्री का मतलब स्टडी। ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली क्या है, बेसिकली ये ट्राइंगल की स्टडी होती है ना। अब ट्राइंगल क्या है भाई, ट्राइंगल एक आपने बिंगो में एड एंगल खाया ना, तो वो भी एक ट्राइंगल होता है। ट्राइंगल के पास क्या होता है, ट्राइंगल के पास तीन साइड्स होती हैं और तीन एंगल्स होते हैं। ये एक ट्राइंगल है, इसके पास तीन एंगल है और तीन साइड्स हैं, साइड ए बी सी और सी ए। ट्राइंगल क्या होता है, जिसके पास तीन साइड्स हों और तीन एंगल्स हों। और एक प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं इस ट्राइंगल के ये वाले एंगल को मान लूँ थीटा वन, इसे बोल दूँ भाई तुम थीटा टू हो, और इसे बोल दूँ थीटा थ्री, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री की वैल्यू कितनी होगी, 180 होगी। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ये बेसिकली ट्राइंगल्स की स्टडी है, इनके एंगल्स की, इनकी साइड्स की, मेजरमेंट की, सबकी स्टडी है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ओके, इट इज़ अ स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड साइड ऑफ ट्राइंगल। अब बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल, देखिए ट्राइंगल क्या होता है, ये कुछ इस तरीके से दिखता है, इसकी जो शक्ल है ऐसी होती है। और इसकी एक खास बात क्या है, इसे हम राइट एंगल ट्राइंगल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो एक एंगल है ना, वो 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे क्या है, बी की वैल्यू कितनी है, एंगल बी की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। और जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री की वैल्यू कितनी होगी, 180 होगी। अगर मैं ऐसे बोल दूँ भाई साहब तुम थीटा वन हो और भाई साहब तुम थीटा टू हो, तो मैं इस ट्राइंगल के लिए लिख सकता हूँ थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस 90 की वैल्यू कितनी, 180। ओके, सो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, थीटा वन प्लस थीटा टू की वैल्यू आ जाएगी 90। मतलब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें एक एंगल 90 होता है और बाकी जो दो एंगल है इनका सम क्या होता है, 90 होता है। एक एंगल 90 होता है और जो बाकी बचे हुए दो एंगल हैं उन दोनों का सम 90 होता है। अब दोनों का सम 90 हुआ है ना, मैंने क्या बोला अभी, थीटा वन प्लस थीटा टू की वैल्यू कितनी है, 90। इन दोनों का सम 90 हुआ, इसका मतलब ये दोनों 90 से छोटे हैं, है ना, ये दोनों 90 से छोटे हैं। और 90 से छोटे एंगल को क्या बोलते हैं हम, हाँ बिल्कुल सही बोले आप, अक्यूट एंगल्स। जो भी एंगल 90 से छोटे होते हैं उन्हें हम प्यार से अक्यूट एंगल्स बोलते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल की अगर आप डेफिनेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, अ ट्राइंगल हैविंग वन एंगल है। यहाँ से इसे मिटा दूँ और यहाँ पे थोड़ा सा लिख दूँ, अ ट्राइंगल हैविंग वन एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड अदर टू अक्यूट एंगल्स।
acute angles is known as right angled triangle. राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो बात हुई राइट एंगल ट्राइंगल की और ट्रिग्नोमेट्री की, अब आपको एक चीज बताता हूँ और इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एक और चीज। चलिए पहले इसकी जो फोटो है ना, इसकी जो शक्ल है फिर से बनाते हैं। ये भाई सब कुछ इस तरीके का दिखता है। लेट्स सपोज इसे मान लिया ए, इसे बोल दिया बी, इसे बोल दिया सी। हमको पता है, हमको दिख रहा है कि ये एंगल 90 डिग्री का है। ओके सॉरी, दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। अगर आपने बचपन में पढ़ी होगी पाइथागोरस थ्योरम, तो आपको पता होगा कि ये जो 90 डिग्री है, इसके जो सामने वाली साइड है, इसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। और ये दो दो हैं, इनमें से एक को बोलते हैं परपेंडिकुलर और एक को बोलते हैं बेस। अब ना आपको एक कन्फ्यूज़न होगा, आपके मन में एक कन्फ्यूज़न होगा कि भाई बेस किसको लेना है और परपेंडिकुलर किसको लेना है होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज आप देख सकते हो ना, हाइपोटेन्यूज क्या आप देख सकते हो कि जो 90 है इसके सामने वाली साइड को बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। अब बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है परपेंडिकुलर और बेस में। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनना, दिस एंगल 90 डिग्री, इस एंगल को मैंने मान लिया थीटा मान लिया। अब देखिए थीटा एंगल मान लिया इसे, तो इसे थोड़ा सा ना स्टडी करते हैं, थीटा एंगल कैसे बना इसे हम आगे वाली है ना अगली स्लाइड में देखेंगे ध्यान से, पर यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। फॉर एग्जांपल ना मेरे पास एक रॉड थी बीसी, रॉड ओके, और मैंने क्या किया, मैंने सी पे किल ठोक दिया। मेरे पास रॉड थी बीसी और मैंने सी पे किल ठोक दिया। मैंने इसको क्या कर दिया, किल ठोक के कर दिया फिक्स, इस पे किल ठोक दिया, ये तो फिक्स हो गया। मैंने बोला बी को बोला, अरे भाई साहब आप ना थोड़ा ऊपर चले जाओ। बी भाई साहब ना यहाँ तक पहुँच गए, बी भाई साहब थोड़ी ऊपर चले गए। ओके, तो ये जो बना ये बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे एंगल। मेरे पास बी सी एक रॉड थी, इसमें से मैंने बी को बोला भाई साहब आप ऊपर चले जाओ, तो ये ऊपर जाएंगे बी भाई साहब ऊपर जाके ए बन गए। बी भाई साहब ऊपर गए यहाँ तक, मैंने बोल दिया अब आप ए बन गए हो, ठीक है आप बी नहीं हो, बी तो नीचे थे, आप ए बन गए हो। इसने बोला ठीक है मैं ए बन गया। अब ये जो बी यहाँ पे मूव किया, ठीक है, और ये जो इन्होंने डिस्टेंस कवर किया है लाइन के बीच में, इसे हम बोलेंगे एंगल। एंगल स्टार्ट कहाँ से हुआ, बी सी से, तो एंगल की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में। पहले क्या था, यहाँ पर भी देखिए, पहले बी सी था, बी को बोला भाई साहब ऊपर चले जाओ, बी भाई साहब यहाँ तक चले गए, और इस बी सी ने, ये जो लाइन थी बी सी, ये यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो गई, तो ये लाइन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुई, तब जाके ये फॉर्म हुआ। तो एंगल की डायरेक्शन इस तरफ, और एंगल की डायरेक्शन इस तरफ, और इसे हम बोलेंगे बेस। इसे हम बेस क्यों बोलेंगे, जहां से ये एंगल स्टार्ट हुआ उसे हम बोलते हैं बेस। बेस का मतलब ही ये है ना, यहाँ से ये एंगल का बेस है, ये ट्रायंगल का बेस है। ट्रायंगल का बेस क्यों है, क्योंकि पहले तो हमारे पास एक साइड थी बीसी, मेरे पास एक रॉड थी बीसी, मैंने बोला बी को बोला भाई साहब आप थोड़ी ऊपर जाओ, इस पे मैंने किल ठोक दिया, भाई साहब ऊपर जाओ, ये भाई साहब ऊपर जाएंगे, यहाँ तक मैंने मान लिया, बोल दिया बी डैश बन गए यहाँ पे, यहाँ भाई साहब ऊपर गए, तब जाके एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। ट्रायंगल कैसे फॉर्म हुआ, बीसी से, बीसी क्या है, ट्रायंगल का बेस। अगर बीसी नहीं होते तो भाई ट्रायंगल नहीं फॉर्म होता। और एक बात बता दूं कि ये कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, अगर आप बीसी को ऐसे उठाओगे तो एक कर्व की फॉर्म में होगा, पर समझाने के लिए हम बोल रहा हूँ, ठीक है। एंगल कैसे फॉर्म हुआ, बीसी को मैंने बोला है ना सी पे किल ठोक दिया, बी को बोला ऊपर जाओ, बी ऊपर गया, तो दिस इज एंगल। और अब आपको समझ आ गया कि बेस कैसे यूज करना है, ठीक है। सो दिस इज बेस, और ये जो बचा, दिस इज परपेंडिकुलर। ये था थोड़ा बहुत राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज यानी कि ये वाला, इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। ओके सो नोट इट प्लीज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये भाई साहब एक राइट एंगल ट्राइंगल है,
इनका जो एक एंगल जो 90 डिग्री का होगा, एक कैसा 90 है, 90 का होगा ठीक है। और क्या और क्या और क्या, वाह वाह वाह। और ये जो 90 डिग्री एंगल है इनके सामने वाली साइड को हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। और इनके साथ जो एंगल है ना, एंगल वो एंगल यहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, बीसी से स्टार्ट होगा ना, क्योंकि बीसी से स्टार्ट होगा तभी जाके ये बनेगा ट्राइंगल। ओके, मैंने अज्यूम किया कि बीसी यहाँ पे था, सी पे मैंने किल ठोक दिया और बी यहाँ तक पहुँच गया। ये सिर्फ एक अजम्पशन है ना आपको समझाने के लिए कि बेस कैसे होता है, चूज करते हैं इस एंगल की डायरेक्शन इस तरफ, एंगल यहाँ से शुरू हो रहा है, दिस इज बेस। और ये क्या होगा भाई साहब, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ये था थोड़ा बहुत राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, आई होप आपको समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आ गया एंगल, अब आप बोलोगे भाई एंगल हमें तो पता है, बिल्कुल पता होगा, मैं तो ऐसे बता रहा हूँ ठीक है, पागल हूँ मैं। ओके, सो एंगल के बारे में डिस्कस करें, फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक रॉड थी, बीसी, बीसी रॉड थी मेरे पास एक। मैंने क्या किया भाई, मैंने इस बार ना बी पे किल ठोक दिया, किल ठोक दिया रॉड पे, मतलब बी क्या हो गया, फिक्स हो गया। और मैंने सी को पकड़ा, हाथ से पकड़ा और घुमाना शुरू कर दिया। अब मैं अगर सी को यहाँ से यहाँ तक ले गया, यहाँ से यहाँ तक ले गया, तो ऐसे मैं सी को यहाँ से यहाँ तक ले गया और यहाँ तक ये क्या बन गया, सी डैश बन गया ठीक है। मेरे पास एक रॉड थी बी सी, बी पे मैंने गिल ठोक दिया और सी को यहाँ से यहाँ तक ले गया। ये जो उन्होंने कवर किया लाइन के इंटरसेक्शन के बीच में जो डिस्टेंस है, इट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ये इसकी डेफिनेशन नहीं है, बता रहा हूँ बस ठीक है, बस एक आइडिया कि ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं इनके बीच जो डिस्टेंस है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे, एंगल। एंगल इज डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय, ये क्या लिख दिया, डिनोटेड बाय, एंगल इज डिनोटेड बाय थीटा, थीटा से डिनोट करते हैं ठीक है, थीटा। ओके, सो सी यहाँ तक आ गया, सी डैश बन गया। ओके, सो ये होता है एंगल, एंगल ये तो मैंने ऐसे लिखा था ना कि दो लाइन के बीच में जो इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में डिस्टेंस है इसे हम एंगल बोलते हैं। अब देखिए, मैं सी को यहाँ से यहाँ तक लेके आया, अगर मैं कंटिन्यू करता सी को पकड़ के घुमाता घुमाता घुमाता, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक सर्कल बनाता, ये एक सर्कल बनाता, क्योंकि मैंने ए पे किल ठोक दिया और सी को पकड़ के घुमाता तो एक सर्कल घुमाता है, वैसे ही जैसे आप एक कंपास से करते हैं ना, कंपास से है ना, कॉपी पे इसे रखते हैं एक और ऐसे घुमाते हैं और एक सर्कल बनता है, वैसे ही यहाँ पे एक सर्कल बनेगा। और इस सर्कल का जो रेडियस होगा ना, रेडियस, इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, वो होगा बी सी, सर्कल का रेडियस बी सी होगा, बी सी, और ये कॉन्स्टेंट होगा, और ये क्या है, एंगल। और भाई अगर आपको पता है कि ये रेडियस है ना, ये सब क्या होगा, ये क्या होगा, सारा डायमीटर होगा, ये क्या होगा, ये डायमीटर होगा, आपको पता है ये क्या होगा, सी सी डैश के बीच में जो डिस्टेंस है, ये कर्व डिस्टेंस क्या होगा, हाँ हाँ बिल्कुल, इसे बोलते हैं आर्क, जो डिस्टेंस है ना ये सी से सी डैश ये वाला, इसे हम बोलते हैं आर्क। और एंगल को किस तरीके से डिफाइन किया गया, एंगल को डिफाइन किया गया थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ये एंगल की असली डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन। वैसे तो बोल सकते हैं इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, ओके, पर मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। अब एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस तो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, और ये आर्क, अगर मैं इसे यहां से यहां तक ले आता, मान लो मैं सी यहां से यहां तक ले आता, सी डबल डैश तक, तो एंगल ये फॉर्म होता थीटा टू। ओके, सो इस केस में एंगल अलग होता, एंगल ज्यादा होता या कम होता बताइए, थीटा वन में से थीटा टू में से कौन सा ज्यादा है, बिल्कुल है ना, किसी को भी दिख रहा है कि थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन, ऐसा क्यों है, तो देखिए रेडियस तो कॉन्स्टेंट है, थीटा की डेफिनेशन क्या है, आर्क अपॉन रेडियस, और
सर्कल का कुछ भी हो जाए रेडियस इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट आर्क। इस केस में आर्क कितनी है, इतनी, और इस केस में इतनी है ना। इस केस में आर्क ज्यादा है इसलिए थीटा टू हमें दिख रहा है, थीटा टू जो है वो थीटा वन से बड़ा है। सो दिस इज मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ एंगल। एंगल को कैसे डिफाइन किया गया, आर्क अपॉन रेडियस। और फिजिक्स में पता है, फिजिक्स में ये एंगल को एंगल नहीं बोलते, ये एंगल को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो आप ना 11th में पढ़ोगे जाके, अभी आपको कोई जरूरत नहीं है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना। आपको समझ में आया एंगल क्या होता है, अगर मैंने बी सी में से सी को उठाया तो ये जो डिस्टेंस कवर कर गया इसे एंगल बोलते हैं। डिफाइन कैसे किया गया, डिफाइन किया गया ये जो आर्क इसने कवर किया और ये जो रेडियस था, आर्क अपॉन रेडियस दिस इज एंगल। ये था सब कुछ एंगल के लिए। आपको ये शायद नहीं पता था ना, आप बोल रहे थे भाई एंगल तो मुझे पता है ना, ये आपको नहीं पता था। और एंगल की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है ना, एंगल की एक ही यूनिट है, दैट इज रेडियन। अब एक सवाल बताओ, एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि ये रेडियन जो है वो फंडामेंटल है या डिराइव्ड है, बताओ बताओ ये जो रेडियन है ये फंडामेंटल क्वांटिटी है या डिराइव्ड क्वांटिटी है। अरे हट, दोनों में से कोई भी नहीं है, इट इज़ अ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। मैंने फंडामेंटल डिराइव्ड के साथ एक और बताई थी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, उसमें रेडियन आता है और दूसरा क्या आता है, स्ट्रेडियन। स्ट्रेडियन ये दोनों है ना, ये जो रेडियन है इट इज़ अ यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। और स्टेडियन किसकी है, सॉलिड एंगल, जो आपके काम का नहीं है। इस एंगल को फिजिक्स में बोलते हैं सॉलिड, सॉरी प्लेन एंगल। ओके प्लेन एंगल। चलिए ये तो हमारा हो गया, अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बहुत ही है ना बढ़िया चीज, बहुत ही बढ़िया चीज। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते क्या है, वो फंक्शन जिनकी मदद से हम ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, स्टडी ऑफ ट्राइंगल। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल मान लो या ये मान लो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं जिनकी मदद से हम किसी ट्राइंगल की साइड्स और उनके जो एंगल्स हैं उनको रिलेट कर पाए, एंगल्स को और साइड्स को रिलेट कर पाए, उन्हें बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फंक्शन होता क्या है एक्चुअली में, फंक्शन का मतलब क्या होता है मैथ्स में, फंक्शन का मतलब वो होता है जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को रिलेट करे, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को रिलेट कर पाए, ठीक है उसे हम बोलते हैं फंक्शन। इस केस में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वो चीज़ें होंगी जो एंगल्स को और साइड्स को क्या करती हैं, रिलेट करती हैं। फंक्शन होता ही वो है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को रिलेट करे, ठीक है उसे हम बोलते हैं फंक्शन। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, एक्चुअली मैथमेटिक्स में ना 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, कितने तरह के, 6 तरह के है ना, इन्हें जाने दो। 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, पहला होता है साइन, दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है टेंजेंट, चौथा होता है सीकेंट, पांचवा होता है कोसीकेंट, लास्ट वन इज कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। कोसाइन को प्यार से कॉस भी बोलते हैं, टेंजेंट को प्यार से टैन बोलते हैं, सीकन को प्यार से सेक बोलते हैं, कोसिकन को प्यार से कोसेक बोलते हैं, कोटेंजेंट को प्यार से कॉट बोलते हैं। ये सब 6 तरह के ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो किसी भी ट्राइंगल के लिए, किसी भी ट्राइंगल के लिए साइड्स को और उनके जो एंगल्स हैं उनको रिलेट करते हैं, उनको रिलेट करते हैं, उनको क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। और एक बात, ये डिफाइन सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही होते हैं, हम इनको जो है ना थ्योरेटिकली सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए मेजर कर सकते हैं, पर दे आर वैलिड फॉर ईच एंड एवरी ट्राइंगल। यहाँ पे ना एक पॉइंट लिखता हूँ अपना, आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं, वो आपने नोट कर लो ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर वैलिड फॉर ईच एंड एवरी ट्राइंगल बट दे आर
defined for right angle triangle, right angle triangles. अब ऐसा क्यों है भाई, trigonometric function like sine, cos, tan, इनको अगर हम maths में solve करें ना अपने, है ना, copy पे, तो हम सिर्फ right angle triangle के लिए ही कर सकते हैं, बाकी they are valid for each and every triangle. अब इसे हम ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अब शुरू करते हैं, एक एक को पकड़ते हैं. पहले पकड़ते हैं साइन भाई साहब को, ठीक है, चलिए पहले आते हैं हमारे भाई साहब साइन, साइन. ओके, सो मैंने क्या बोला, हम इसे डिफाइन सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही कर सकते हैं, के लिए ही कर सकते हैं, बस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कर सकते हैं, बाकी वैलिड ये हर एक ट्रायंगल के लिए जो आप आगे पढ़ोगे. अभी आपको बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है, और ये डिफाइन सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होते हैं. मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, दिस इज 90, दिस इज थीटा. अगर मुझसे कोई पूछे एंगल बी कितना है, मैं बोलूँगा भाई 90. कोई पूछे एंगल सी कितना है, मैं बोलूँ भाई थीटा. अब भाई साहब कोई पूछेगा आपसे साइन थीटा कितना है, वो आपसे पूछेगा साइन थीटा कितना है, अब आप उसे क्या बोलोगे, देखिए साइन थीटा क्या होता है एक्चुअली, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है. साइन थीटा को कैसे डिफाइन किया गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. इस केस में अगर पूछेगा कोई भाई साइन सी क्या है, अब बोलोगे सी, हाँ सी मतलब एंगल सी कितना है, थीटा मतलब साइन थीटा पूछ रहे हो. तो अब बात करते हैं कॉस की. ओके, कॉस, कॉस को कोसाइन भी बोलते हैं, कोसाइन को कॉस भी बोलते हैं. कॉस को कैसे डिफाइन किया गया, दैट इज बेस, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. दिस इज ऑल्सो डिफाइन फॉर राइट एंगल ट्राइंगल ओनली. अगर ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल 90 है, एंगल थीटा है, और ये ए बी और सी है, और मुझे किसी ने पूछ लिया कॉस थीटा क्या होगा, तो मैं क्या बताऊंगा, कॉस थीटा दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज. इस केस में बेस क्या है, बी सी, हाइपोटेन्यूज ए सी, तो ये होगा कॉस थीटा. इसी तरीके से है ना, अगला ये टैन थीटा, वो क्या होता है, होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अगर मैं इसी केस की बात करूं तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी, ओके ए बी, और बेस क्या होगा, बी सी. तो मेरे पास टैन थीटा आ जाएगा ए बी अपॉन बी सी. अगला जो आता है दैट इज सेक थीटा. अब देखिए सेक थीटा जो है ना, वो कॉस का भाई होता है, मतलब अगर कॉस की वैल्यू बेस बाय हाइपरन्यूज है ना, तो सेक थीटा की वैल्यू होती है हाइपरन्यूज बाय बेस. इसका उल्टा क्या होता है, हाइपरन्यूज बाय बेस. तो इस केस में जो सेक थीटा, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, हाइपरन्यूज मतलब ए सी डिवाइड बाय बेस यानी कि बी सी. ओके, अगला जो होता है दैट इज कॉसेक. और जो कॉसेक है ना, कॉसेक वो साइन का भाई होता है, मतलब साइन हमारे पास क्या था, साइन थीटा दैट वाज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो ये कॉसेक थीटा है ना, ये होगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर. इस केस में क्या होगा, ये ए सी अपॉन ए बी, ए बी. ओके, क्या होगा, कॉसेक थीटा. और लास्ट दैट इज कॉट थीटा. जो कॉट है ना, कॉट ये टैन का भाई होता है. टैन कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो ये कितना होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब बेस कितना, बी सी, परपेंडिकुलर कितना, ए बी. तो भाई अगर आपको ये अजीब लगा ना, अजीब, तो बहुत बढ़िया, मुझे भी लगा था. दिस इज एक्चुअली मैथमेटिक्स, और इसे हमें पढ़ना ही पड़ेगा और समझना ही पड़ेगा और मानना ही पड़ेगा, ठीक है. ये मैथ्स में डिफाइन किया गया कि टैन थीटा इसे बोलेंगे. हम ये नहीं मतलब क्यों बोलेंगे, अब आप बोलो कि टैन थीटा परपेंडिकुलर और बेस क्यों, ये मतलब ये कोई लॉजिक नहीं है. क्यों, क्योंकि मैथ्स ने बोल दिया कि टैन थीटा ये होता है, तो हमें मानना पड़ेगा, है ना. इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, है ना. लॉजिक मतलब इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि टैन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर और बेस क्यों होती है. ये मैथ्स ने मान लिया, मैथ्स ने अज्यूम किया. दिस इज वी हैव टू लर्न इट, हमें ये समझना है और याद करना है, ठीक है. अब हमने सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ लिए, अब एक ट्रिक है, ट्रिक जिसकी, तो वो ट्रिक क्या है, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद, ऐसे लिखना आपको, पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोले सोना चांदी तोले, ऐसा लिख के ऊपर लिख दो सी एस सी। ठीक है, फिर से लिखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, बाद में लिख दो सी एस सी। अब यहाँ पे ये है ना एस, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टैन। ये साइन का भाई, देखिए साइन का भाई कौन सा होता है, साइन का भाई होता है कॉसेक, कॉस का भाई क्या होता है सेक, टैन का भाई क्या होता है कॉट। भाई क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनकी वैल्यू इनके जस्ट ऑपोजिट होती है। तो देखिए साइन कॉस टैन, ये क्या होगा कॉसेक, ये सेक, ये होगा कॉट। देखिए साइन, अगर आपसे कोई पूछता है साइन थीटा की वैल्यू बताओ इसी ट्रायंगल के लिए, तो आप क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, डन। अब पूछता है टैन की वैल्यू बताओ, टैन थीटा, टैन थीटा, तो ये देखो ऊपरली दो लाइंस, आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपसे कोई पूछता है भाई कॉस की भी बता दो, तो आप कॉस थीटा क्या बोलोगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर पूछता है कोई कॉसेक, कॉसेक बता दो, बोलोगे क्या कॉसेक, पहले ये आएगा, जब साइन की बारी आई थी तो पहले ये वाला लाइन आई थी, बाद में ये वाली, अब बारी आई है कॉसेक की, तो पहले ये वाली लाइन आएगी ना, कॉसेक का जो है ना पहले ये आता है बाद में ये आता है। कॉसेक के लिए क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। सेक के लिए क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, सेक के लिए क्या बोलेंगे, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। और कॉट के बारे में क्या बोलेंगे, कॉट थीटा क्या बोलेंगे, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, ये सब एक ट्रिक थी जिसके मदद से शे की शे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको याद हो जाएंगी। अब कुछ और चीज़ छोटी सी ना, छोटी सी चीज़, दैट इज़ व्हाट, साइन थीटा क्या होता है, वन बाय कॉसेक थीटा, ओके, कॉस थीटा क्या होता है, वन बाय सेक थीटा, टैन थीटा क्या होता है, वन बाय कॉट थीटा, ओके, और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपको करना है याद, मैंने ये बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया और लिख भी दिया। सो आज के लिए वीडियो के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे टेंजेंट्स के बारे में, ग्राफ कर्व्स के बारे में और उसकी स्लोप के बारे में। ठीक है, आज के लिए हमने सारा ना बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कवर कर लिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक्स।